हेलो फ्रेंड्स, आई एम सोनिका। टुडे आई एम कुकिंग करी फॉर बिरयानी। एक्चुअली बिरयानी अकेली खाने में कुछ लोगों को थोड़ा सा सूखा लगता है, जिसके लिए हम करी बनाते हैं। करी और बिरयानी का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है, ये खाने में बहुत डिलीशियस लगती है। अगर हम डिनर में इसको सर्व करते हैं तो बिरयानी और करी का कॉम्बिनेशन बहुत ही डिलीशियस कॉम्बिनेशन होता है, और इसको हम बहुत अच्छे से खा सकते हैं। बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, बड़े भी बहुत पसंद करते हैं। एक्चुअली ये हम मीडियम स्पाइसी रखेंगे, क्योंकि ये बच्चे भी खा सकें और बड़े भी खा सकें। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं, हमने 2 मीडियम साइज अनियन, इसको हमने रफली चॉप किया है। एक्चुअली इसको हम ग्राइंड करेंगे। ये हमने 1 इंच टुकड़ा लिया है जिंजर का, इसको भी हमने रफली चॉप किया है ताकि हम इसको ग्राइंड करेंगे। और ये हमने लिया है गार्लिक की 10 फ्लैक्स लिए हैं, इनको भी हम रफली चॉप इनको हम ग्राइंड करेंगे। जिंजर और गार्लिक और अनियन तीनों का हम पेस्ट बनाएंगे एक साथ। और ये टोमेटो लिए मैंने 2 मीडियम साइज, इसको भी हम ग्राइंड करेंगे। मैंने खसखस ली है, ये खसखस को मैंने पानी में भिगो के रखा है 2 टेबल स्पून, इसको भी हम ग्राइंड करेंगे। ये मैंने रोस्टेड पीनट का पाउडर बना के रखा है, इसको भी हम 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे। ये हमारी कोरिएंडर लीव्स हैं, जिसको हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे। और कुछ हमारे मसाले हैं फ्रेंड्स, ये हमारे स्पाइसेस हैं। ये मैंने 1/2 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने कोरिएंडर पाउडर ले रखा है, 1 टेबल स्पून मैंने टर्मरिक पाउडर ले रखा है, 1 टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, 1/2 टेबल स्पून मैंने बेसन लिया है, और ये मैंने सॉल्ट लिया है 1.5 टेबल स्पून। ये हमारे कुछ स्पाइसेस हैं। और हमने एक ये कुछ कैश्यू लिए हैं, जिनको हमने पहले से पानी में भिगो कर रखा है। जब ये अच्छे से सोक हो जाएंगे तो हम इसका पेस्ट बनाएंगे, और ये हमारी करी में हम ऐड करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम इन सब की ग्राइंड करके और आगे की प्रोसीजर करते हैं। फ्रेंड, बिरयानी करी बनाने की प्रोसीजर हम आगे बढ़ाते हैं। इसमें हमने कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में हमने विदाउट फ्लेवर्ड, मतलब मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल डाला है 4 टेबल स्पून। अब इसमें हम डालेंगे हमारे कुछ खड़े गरम मसाले, ये मैंने लिए हैं तेजपत्ता, जायफल और दालचीनी और स्टार अनिस, इसको हम डालेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा जिंजर, गार्लिक और अनियन पेस्ट। फ्रेंड्स, ये है हमारी बिरयानी करी के लिए अनियन, गार्लिक और जिंजर का पेस्ट था, वो पक चुका है। अब हम इसमें हमारे मसाले ऐड करेंगे, जो हमने पहले से निकाल के रखे हैं। ये जो हमारे सारे मसाले हैं, कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, वाइट सॉल्ट, बेसन और गरम मसाला, ये सारे हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसको मिक्स कर देंगे। फ्रेंड्स, इसमें अब हम हमारी जो टोमेटो प्यूरी है और कैश्यू प्यूरी है, उसको भी ऐड कर देंगे। इसमें अब हम हमारा पीनट पाउडर है, उसको ऐड करेंगे और इसको सॉटे करेंगे। उसके बाद अब हम इसको 2 मिनट्स के लिए पकने देंगे। फ्रेंड्स, इसमें मैंने 2 कप पानी ऐड किया है। अब हम लिड को लगाएंगे और वेट करेंगे 5 मिनट्स का। 5 मिनट्स तक अच्छा उबाल आने के बाद इस गैस को हम ऑफ कर देंगे। फ्रेंड्स, ये हमारी करी बिरयानी पक चुकी है, अब रेडी टू सर्व है। इसको हम सर्व कर सकते हैं।